आप में से जो भी स्टूडेंट नीट 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कम से कम 10 से 15 बार उन बुक्स को पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें जो है वो याद होंगी। उसके अलावा सेकेंड नंबर पर आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन किए हैं तो उनके जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे एनसीईआरटी में आपको शॉर्ट फॉर्म में दिए गए, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो जो स्टडी मटेरियल है उसमें वो जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही एक्सप्लेन किए गए हैं जैसे आपको समझ में आएंगे वो टॉपिक्स, ठीक है। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी उन बुक्स से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एमटीजी एनसीईआरटी की एक फिंगर टिप्स नाम की एक बुक आती है जिसमें टोटल जो भी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं के जो एमसीक्यूज वगैरह है वो दिए जाते हैं, तो आप जो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहे हो तो उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हो, उस बुक्स जो फिंगर टिप्स बुक्स है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके ह्यूमेंस करके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की एक बुक आती है जिसके दो वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। ये जो है वो बायोलॉजी की एक ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो भी मतलब टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अगर आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगभग आपको 10 से 15 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक की जो भी वेटेज है पर्टिकुलर टॉपिक में कितना कितना क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी।